नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नीट 2019 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी क्या प्रोसेस होगी, क्या कुछ नए नियम ऐसे लागू किए गए हैं जिसके दौरान जो है वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों 1 नवंबर परसों है, तो मैंने सोचा 2 दिन पहले ही आपको जो है वो वीडियो के दौरान बता दिया जाए कि क्या क्या जो है वो आपको आईडी और क्या क्या जो है वो चेंजेस जो है वो इस बार हुए हैं, क्योंकि पिछली बार आपने cbse.ac.in पर जो है वो आपने फॉर्म फिलअप किया था। अब की बार जो है वो nta.ac.in पे जो है वो फॉर्म फिलअप होगा। तो कुछ क्या कुछ जो है वो गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किए हैं और चेंजेस किए हैं तो क्यों किए हैं, इस बात पर जो है वो चर्चा होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए जिससे दूसरे बच्चों को भी जो है वो इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें स्टार्टिंग में नीचे हेडलाइन दी हुई है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 1 नवंबर से जो है वो स्टार्ट होगी और अप्लाई करना है आपको nta.ac.in पर, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो अब इसका निर्माण कर रही है। तो दोस्तों द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस विल बिगिन 1 नवंबर। द कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई कैन डू सो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यही कुछ न्यूज़ यहाँ पे भी बताई हुई है कि 1 नवंबर से जो है वो फॉर्म स्टार्ट होंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको कि स्टेप क्या होंगे, क्या कुछ जो है वो चेंजेस किए गए हैं और क्या कुछ जो है वो अब होने बाकी है, उस सारों पे अपन जो है वो चर्चा कर लेंगे। तो पहला स्टेप है कि आपको nta.ac.in वेबसाइट पे जाना होगा। दूसरा स्टेप है क्लिक ऑन नीट एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप नंबर 3 लॉग इन विथ योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आपका जो है वो यूज़र आईडी होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। इसके लिए आप जो है वहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं, गूगल की मेल आईडी या फेसबुक की आईडी या अपने जो है वो नंबर देके आप यहाँ पे जो है वो लॉगिन हो सकते हैं। चौथा स्टेप है एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल। मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या जो है वो भरना होगा। दोस्तों इस बार आपको नाम हर बार भरना होता है, आपका खुद का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है। और दोस्तों इस बार सबसे जो मेन यहाँ पे चेंजेज हुआ है वो ये हुआ है कि इस बार आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, परंतु एक आईडी आपको जो है वो जनरेटिंग स्टेटस ज़रूर ज़रूर देना होगा, या तो फोटोग्राफी देके या फिर जनरेट करके। आपको आधार कार्ड नंबर नहीं देना, लेकिन जो कोई भी प्रकार की आपकी आईडी है उसका जो है वो जनरेट करके एक जैसे फुट प्रिंटिंग होती है उसी तरीके से जो है वो आपको देना होगा। 1 नवंबर को जो है वो मैं एकदम क्लियरली आपको बता पाऊँगा। और यदि आप समझ चुके हैं तो आपको जो है वो उसी प्रकार से एक आईडी अपनी देनी होगी। और दोस्तों उसके नीचे जो है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब लिख के आपको जो है वो लास्ट ईयर 12th के वहाँ पे जो है वो मार्क्स वगैरह वो भी यहाँ पे अब नए जोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार का भी यहाँ पे चेंजेज किया गया है। इस बार आधार कार्ड की जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, परंतु कोई ना कोई ऐसी आईडी ज़रूर आपको जो है वो देनी होगी, या तो उसका प्रिंट आउट देना होगा या फिर आपके सिग्नेचर करके। हर बार आप सिग्नेचर तो देते हैं बारकोड सिग्नेचर, लेकिन इस बार जो है या तो बारकोड स्कैनिंग होके कोई भी आपका आईडी या फिर किसी भी प्रकार से जो है वो आपकी आईडी ली जाएगी, लेकिन आधार कार्ड के नंबर जो है वो इस बार नहीं लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। तो दोस्तों ये एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। 5 नंबर स्टेप है आफ्टर कंप्लेंशन क्लिक ऑन सबमिट। अब सारा जो भर लिया है आपने तो अब सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और इसको डाउनलोड कर लें और इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको रख लेना है। तो दोस्तों पिछली बार जो एक नियम था कि भई आपको एक तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो है वो साथ में लेके जानी है, आधार कार्ड साथ में लेके जाना होगा, और पिछली बार एक सबसे बड़ी यहाँ पे दुविधा वाली बात ये थी कि जो आपको दूसरे फोटोकॉपी करवानी होती थी उसके अंदर बड़ी फ़ोटोग्राफ भी चिपका के लेके जाना पड़ता था। तो दोस्तों ये भी जो है वो यहाँ पे इस बार हटा दिया गया है। इस बार बड़ी फ़ोटोग्राफ नहीं लेके जानी, साथ में कोई फ़ोटोग्राफ नहीं लेके जानी। आधार कार्ड को तो जो है वो एकदम निरस्त कर ही दिया है, तो ओनली आपको जो है वो प्रवेश पत्र लेके जाना है जो जनरेट हो जाएगा उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट होंगे, 30 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड आप 15 अप्रैल से कर पाओगे।
डेट ऑफ एग्जामिनेशन मई है, 5 मई को एग्जाम होगा।